वर्ल्ड कप हमारा है जी हां इसी उद्देश्य के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरेगी नमस्कार न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर यानी कि कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है इसके लिए बेहद खास तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस फाइनल मुकाबले के दौरान चार समारोह का आयोजन होगा फाइनल मुकाबला है तो जाहिर सी बात है कई कई कार्यक्रम आयोजन और इसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किसका पलड़ा भारी होगा ये तो वक्त ही तय करेगा इस दौरान इंडियन प्लेयर्स की फैमिली के साथ ही बीसीसीआई के पदाधिकारी आईसीसी के बड़े अधिकारी और स्टेट एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहेंगे महामुकाबले के लिए

शुरू हो गया है प्रयागराज में भी प्रार्थनाओं का दौर शुरू है क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये छह तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए कहा जाता है क्रिकेट ना खेल नहीं है ये एक फीलिंग है और ये ना एक त्योहार से कम नहीं है भारत में और इस वजह से इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है छह तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अहमदाबाद की ये तस्वीर ऋषिकेश प्रयागराज मुरादाबाद हैदराबाद और देखिए नजारा हर जगह एक जैसा जश्न का माहौल प्रार्थनाओं का दौर जारी है और एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं हमारे साथ दो रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं वही हमारे साथ गौरव भी जुड़ गए उनसे अधिक बातचीत करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले अतुल आपका मैं रुख करना चाहूंगी जरा बताइएगा कितना जोश हाई नजर आ रहा है क्या वहां का एनवायरमेंट कितना उत्साह किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कल के त्योहार की कल के मैच की सभी फैंस जिस तरीके से दिवाली या होली के त्यौहार की लोग तैयारी करते हैं उसी प्रकार से छिंदवाड़ा में कल का दिन का इंतजार और तैयारी की जा रही है और ये रहवासी जो है ये इंतजार कर रहे हैं कल दोपहर के समय जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल मैच होगा हालांकि देखिए छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो पूरी तैयारी हो चुकी है जगह जगह एलईडी लगाई जाएगी लोग सामूहिक तौर से मैच का आनंद भी लेंगे और कहीं ना कहीं इंडिया टीम के चेयर करते हुए नजर आएंगे मेरे साथ कुछ लोग हैं मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ समझता हूँ कि कल के लेके कितना

कौन से प्लेयर को ज़्यादा मान रहे हैं कि कल जो है ज़्यादा तरीके से तो बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे विराट कोहली और श्रेया अय्यर ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमको उन्हीं लोग से ज़्यादा उम्मीद भी है उम्मीद है।, है हाँ बहुत अच्छा खेलेंगे और इंडिया को जिताएँगे रोहित शर्मा के बारे में रोहित शर्मा तो बिल्कुल हैच वो और कप्तान है वो तो अपना काम ही कल के मेज के लिए क्या तैयारी है कहाँ देखेंगे परिवार के साथ देखने जा रहे हैं दोस्तों के साथ तो कल मैच का बस हमारे मोहल्ले में बस ये स्क्रीन लग रही है और उसकी तैयारी चल रही है क्या लगता है कल कौन ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगा वैसे तो टीम इंडिया ही करेगी क्योंकि उसने 10 मैच से 10 मैचों में जीत हासिल की है और अभी जिस हिसाब से फॉर्म में है टीम इंडिया तो उस हिसाब से तो लगता है कि फाइनल इंडिया ही उठाएगा दूसरे को चांस भी नहीं है होम ग्राउंड है होम क्राउड रहेगा कोई टेंशन की बात नहीं है भुमरा फॉर्म में है समी फॉर्म में है समी, में है, समी फिर पाँच विकेट लेगा कल और ऑस्ट्रेलिया को दो सौ के अंदर पर आउट करने की हमारी रहेगी रनजी और चेस करके तो हम फिर जीतेंगे जीतेंगे जी रहे लेकिन कंगारुओं को भी हम बड़े आसानी से नहीं ले सकते पांच बार की विश्व विजेता रही है तो उसमें क्या लगता है कि उनको हमारे लिए वो कितनी बड़ी चुनौती साबित चुनौती तो रहेगी कंगारुओं तो आते थे दो में भी आए थे वो अपने को यहाँ नहीं हुआ था होम ग्राउंड नहीं था उनका पर 2003 में अच्छा उन्होंने टक्कर दिया था हमें हरा दिया था पर उसका बदला अब हम 2023 में पूरी तरीके से ले लेंगे उनसे ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी से इंतजार कर रहे हैं कल का आप भैया जैसे अभी हम लोग ने होली मनाए अब ये दूसरी होली हम कल मनाएंगे चुनाव जीतने के बाद चुनाव कह रहा हूँ ये मैच जीतने, जीतने के बाद और इंडिया तो मैच जीती रही है लगातार जीत रही है सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें और विराट कोहली से बहुत उम्मीद है ऐसा ना हो कि कल डबल सेंचुरी मार दे वो कहाँ देखेंगे परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कल एंजॉय करने जा रहे हैं नहीं यहीं पर हाँ स्क्रीन टी लगाएंगे बड़ा पर्दे लगाएंगे बड़े बड़े लोगों के सब बैठने की व्यवस्था करेंगे ये तो हमारी दूसरी दिवाली होने जा रही है सर दूसरी दिवाली है तैयारी बम पटाखे फुल, फुल, फुल तैयारी है आतिशबाजी वगैरह सब रखी हुई है इंडिया जीतेगी दो नहीं है है ती, ती, तीन तीन दिवाली इसके बाद चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं उसकी भी तैयारी है चलिए चुनाव के भी परिणाम आएंगे तब भी दिवाली मानेगी सर आपको क्या लगता है कल कौन सी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों आमने सामने और टक्कर का मुकाबला काटे का मुकाबला हम कहेंगे कल होने जा रहा है कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा कोई खास तौर पे मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में अभी बैटिंग लाइन हम देख रहे हैं बेहतरीन चल रही है बॉलिंग लाइन की बात करें तो हमारे स्पिनर जो बॉलर हैं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं कौन आपको लगता है कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा क्या है भारत में इंडिया जो है बाहुबली हो जाती है यहाँ की लोकल पिचे हैं और इस पर खेले हुए प्लेयर रहते हैं यहाँ पे बहुत तेजी से रन बनाने में सक्षम है और सबसे बड़ी बात है श्रेष अर जो फार्म में चल रहा है और आपको मालूम है रोहित शर्मा दस ओवर में ढेल लगा देता रन का तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी भारत कोई चिंता की बात नहीं है भारत विजय होगी और अपने बॉलर भी शमी हैं बुमराह है अपना, अपना है ये लोग सब फार्म में चल रहे हैं इंडिया ही जीतेगी हम लोग फिर दीपावली मनाएंगे ठीक है कुछ और लोग तो क्या लगता है आपको किससे उम्मीद है कल तो विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल फॉर्म में चल रहा है अभी तक तो

की बात होती है ना तो टोने टोट के भी यहां पर आजमाए जाते हैं कोई अपनी चेयर से नहीं उठता है कोई अलग तरीके का तरीका आजमाता है इंदौरवासी किस तरीके से कल का ये त्यौहार मनाने वाले हैं देखिए कल का जो मैच है उसके लिए पूरा इंदौर उत्साहित है और जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये भारत का ऐतिहासिक ग्राउंड इसीलिए है क्योंकि भारत के जो पहले कप्तान रहे हैं टीम इंडिया के वो इसी ग्राउंड पे खेले साथ ही साथ कई बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं यहां से निकले हैं और इस वक्त यहाँ पे खेलने वाले नन्दे मुन्ने खिलाड़ी हमारे साथ हैं क्रिकेट के आ, बाहर खिलाड़ी यहाँ के हैं अंडर नाइनटीन खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कितने उत्साहित है कल के मैच के लिए बेटा कल मैच है कितने उत्साहित हो कल के मैच के लिए और क्या लगता है क्या होने वाला है कल के मैच में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है बहुत उत्साह है हम तो वैसे और उम्मीद यही है भारत जीते क्योंकि पहली बार देखने को मिलेगा भारत को वर्ल्ड कप अभी बहुत साल से जीती नहीं है एक तो और बस हम बहुत ज़्यादा देखिए पे जो कोच है जी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं सर कल का जो मैच है कल काफी महत्वपूर्ण मैच है दो का ये बदला लेगी भारत ये उम्मीद जताई जा रही है क्या लगता है कल कितनी मजबूत स्थिति में भारत है उन्नीस सौ तिहासी और उसके बाद में दो ये ऐतिहासिक स्वर्णिम काल रहेगा कल स्वर्णिम दिन रहेगा कल का और जिस तरह से भी भारत जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस करता हुआ रहा है ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है देखिए ऑस्ट्रेलिया कम अच्छा करता है लेकिन कल जो रहेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर इस बात का रहेगा कि ऑलरेडी लीग मैचेस के अंदर भारत उनको हरा चुका है और सेकेंड थिंग फिर ये है कि दोनों ही फॉर्म में अभी दोनों ही बॉलर और बैट्समैन जो है हमारे वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो नेचुरल है कि प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ज्यादा है क्योंकि लास्ट मैच भी जो उनका साउथ अफ्रीका से सेकेंड सेमीफाइनल जो हुआ था उसके अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद में लेकिन बाद में उनकी पारी डगमगा गई थी और वो टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि अगर हमारे पास में अगर हम पहले बैटिंग बेट, करते हैं बैटिंग करने के बाद में अगर लाल मिट्टी के ऊपर अगर ये मैच होता है तो हमारे बैट्समैन ऑलरेडी वो अच्छा कर रहे हैं सेकेंड टाइम में सेकेंड में जब अगर जब हमारी बॉलिंग जो रहेगी जिस तरह से अफ्रीका तो उतना अच्छा कम नहीं कर पाया था लेकिन हमारे स्पिनर्स जो हैं वो स्पिनर्स नेचुरल बहुत बहुत अच्छा करेंगे आप बच्चों से बात करते हैं बेटा कल के लिए कितने उत्साहित हो कल जो मैच होने वाला हो कैसे जा देखने वाले हो कहाँ जाओगे कल मैच देखने घर पे या इंदौर का जो राजवाड़ा कहा जाता है कि वहाँ पे अच्छा माहौल रहता है क्या करने वाले हो कल राजवाड़ा पर जाके जरूर हम मैच देखेंगे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे सब इंडिया के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और अगर वहाँ पर इंडिया जीतेगा तो वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहेगा और बहुत अच्छा जश्न मनाएगा अच्छा, हमारे साथ एक कॉमेडियन है इंदौरे जाने वाले कॉमेडियन सुभाष जी कहे जाते हैं सुभाष जी कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है अपने अंदाज़ में कल के मैच के लिए कुछ दो लाइन आपकी तरफ से मैं लाइन तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा बस मैं इतना बोलूँगा कि भाई अभी इतने टाइम से खेल ही रहे हैं जीत रहे हैं तो कल आखिरी वाला दिन है तो फिर इंडिया घर वापस तो है ही अहमदाबाद है तो, तो चुटकुले के, चुट के, के उसमें आपके दो लाइन चुटकुले तो क्या ही बोलेंगे भाई मैं तो ऐसा है कि कल ऑस्ट्रेलिया के बस गली मैच जैसा नहीं हो जाए गली मैच हाँ ठीक है बिल्कुल गली मैच जैसा नही हो जाए अच्छा बच्चे यहाँ पे काफी हैं चेहरे पे उत्साह है बच्चा आप लोगों जानना जाना चाहिए कितने उत्साहित तो कल के मैच के लिए क्या होगा कल मैच में इंडिया जीतेगा जोश है आगे। 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 अच्छा बेटा ये बताओ कल क्रिकेट मैच में आप ये बताओ सबसे ज्यादा किस प्लेयर से आपको उम्मीद है कि जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहने वाला है क्योंकि शमी की हमने बॉलिंग देखी बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं कल के मैच को लेकर क्या सोचते हो मेरे को लगता है कि विराट कोहली जैसे पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सौ मारी थी और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन भी था तो मेरे को लगता है विराट कोहली से ज्यादा उम्मीदी रहेगी पूरे इंडिया को

चलिए यहाँ पे जो स्पेशल जो एक्सपर्ट है उनसे भी बातचीत करते हैं मतलब बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया कम जरूर करता है ये देखा है हमने क्या लगता है कल का जो मैच होने वाला है इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिस तरह से मीडियम प्रेसर सभी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उमरान मेरे को तो जो सिराज अहमद जो है कल का की बॉलर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रहेगा और मैक्सवेल जो है मैक्सवेल जो स्टैंडर्ड जो था अफगानिस्तान के बॉलर्स को जो था जब उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी उनके बॉलिंग के स्टैंडर्ड में और हमारे बॉलिंग के स्टैंडर्ड में स्पिनर्स में काफ़ी डिफरेंस है काफ़ी डिफरेंस है ये सिर्फ ग्लैन मेग मैक्सवेल को एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि वो यहाँ पे आईपीएल खेलते रहते हैं तो आईपीएल खेल खेल के वो थोड़ा मिचर्ड हो गए लेकिन कुछ ना कुछ कल बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे स्पिनर्स करेंगे आप उसके लिए बिल्कुल देखने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहिएगा बिल्कुल जो स्पिनर्स है वो स्पेशल करेंगे इस आप तो कुछ युवा भी इस वक्त हमारे साथ है उनसे भी बातचीत करते हैं क्या लगता है कल किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो टीम इंडिया जीतेगी या आश्वासन है भिल्कुल तो तो कल कहाँ जा रहे हो किस तरीके से एंजॉय करने वाले हो घर पर बैठ के देखेंगे फिर उसके बाद जैसा माहौल बनता है उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कल काफी खास दिन है हम लोगों के लिए बट मैं कहना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत तगड़ी टीम है जिसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और बाकी टीम हमारी बढ़िया खेलते आई है अच्छा और सबको पता है जितना हम इस उम्मीद में है कि इंडिया जीते कि उतना खौफ में ऑस्ट्रेलिया भी है कि उन्हें किससे खेलना है तो उम्मीद करते हैं कि जो दो दो हज़ार उन्नीस में हमने खोया था कल वापस मिलेगा आ, अच्छा एक चीज़ बच्चों से वो चीज़ जानना चाहेंगे आ, कल संडे है ठीक है सब लोग की छुट्टी भी रहती है लेकिन आप लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं तो कल क्या सिर्फ मैच देखने वाले हो आप लोग भी खेलोगे कल कहीं जाकर तो। बिल्कुल गौरव देखिए कल मैच ही खेलेंगे गौरव कल मैच ही खेलेंगे खेलेंगे आप नहीं, दोर बल्कि दोर मैच देखेंगे। नहीं देखेंगे सुपर संडे संडे नहीं है सुपर संडे है कल अतुल आप जरा बताइएगा वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछिएगा क्योंकि देखिए जैसे की अभी इंदौर में भी बातचीत करते हुए ये पॉइंट निकलकर सामने आया कि हम ऑस्ट्रेलिया टीम को टीवी बॉयज को कम नहीं आक सकते हैं उनका आकलन कम नहीं हो सकता है क्योंकि वो भी काफी एग्रेसिव तरीके से खेल रहे हैं जहां हमारे पास टॉप बल्लेबाज है तो उनके पास भी टॉप बल्लेबाज है ऐसे में क्या तोड़ हो सकता है क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है देखिए बिल्कुल आम जनता है और जो बात अपनी बेवाकी से रख रही है मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक और दर्शकों तक मैं वापस आपका रुख करूंगी गौरव आपसे बातचीत कर लेती हूँ अतुल बोले बोलिए अतुल आपकी आवाज आ रही है जी देखिए बिल्कुल मैं बात कर लेता हूं जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में भी बेहतरीन जो है बैट्समैन इस समय अपना दिखा रहे हैं बल्लों से रन निकाल रहे हैं कितनी चुनौती मान रहे हैं उनके लिए नहीं कोई चुनौती नहीं इंडिया तो जीतेगा इंडिया जीतेगी बहुत अच्छे से जीतेगा चुनौती के तौर पर अगर हम देखें देखिए चुनौती के तौर पर अगर मैं देखता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में आप इसको मान रहे हैं क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है 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 कि दोनों ही टीम में है और दोनों ही ही टीम टीम बिल्कुल कांटे की टक्कर में और पूरी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, फाइनल है। है। तो आपको क्या लगता कौन चुनौती तो ऑस्ट्रेलिया तो जरूर देगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कच्ची टीम नहीं है दो शुरू के दो मैच हारने के बाद अभी तक वो भी एक भी मैच नहीं हारी है जैसे मैक्सवेल आपने देखे उसने अभी दोहरा शतक मारा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है वो टीम हार चुकी थी सात विकेट गिर चुके थे उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा कम किया तो इंडिया को भी वो टक्कर अच्छा देगी क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ रन भी बहुत सबसे बड़ा स्टेडियम है सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर फाइनल होने जा रहा है वहाँ पर रन भी बहुत बनते हैं और आई के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर है सब वो पिचेस को देखे हुए हैं परखे हुए हैं तो अच्छा वो भी खेलेंगे आपको क्या लगता है कल हमारे लिए इंडिया के लिए खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया क्या चुनौती खड़ी कर सकती है ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत तो चुनौती देगी क्योंकि ये क्या है कि उनके बैट्समैन और बॉलर भी थोड़े अच्छे हैं बाकी वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो हमारी जो भारत की टीम है इंडिया की टीम तो वो हंड्रेड परसेंट कल मैच जीतेगी इसमें कोई शक नहीं है नहीं। और कल हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं कल हमारे यहाँ होली और दीपावली हम कल दोनों मनाएंगे और कल इतनी बजे हमारे यहाँ फटाखा फूटना चालू हो जाएंगे फटाखा फूट आएगा इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा इंडिया जी ठीक है काफी लोग उत्साही है देख देखिये बिल्कुल कुछ और लोग भी हैं मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ देखिए अभी तो ही कहीं ना कहीं दीपावली मनाना शुरू हो चुकी है कल के लेके आसाही थे लोग और कोशिश ये कर रहे हैं कि कल वर्ल्ड कप है उससे पहले एक जश्न यहाँ पे मना दिया जाए तमाम जो लोग हैं अभी से ही जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कल को लेके काफी उत्साहित है और पूरे व्यवस्था की हुई है बम की तो वही नजारा छिंदवाड़ा में हमें दिख रहा है सर क्या लगता है कल के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस बात पे हम ज्यादा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि देखिए इंडिया को हम मानते हैं कि इंडिया में हम रोहित की बात कर रहे हैं या तमाम जो दूसरे समी की बात कर रहे हैं तमाम जो जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सब लोग फॉर्म में चल रहे हैं ऊपर से पहले से लेकर लास्ट अगर हम बैट्समैन देखें खिलाड़ी देखें नंबर तक के तो तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती खड़ी कर सकती है खास तौर पर तब अगर वो फर्स्ट बैटिंग करती है तो क्या लगता है आपको क्योंकि अगर टॉस जीता जाता है तो इंडिया अगर टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करना चाहिए हमें या फील्डिंग पे ही ले जाए नहीं इंडिया अगर टॉस जीतती है तो उसको तो पहले फील्डिंग ही करना चाहिए क्योंकि वो चेस करने में अपने पास लिटिल मास्टर अपने पास है विराट कोहली है अय्यर है और के राहुल है फर्स्ट मैच भी जब हुआ था उसमें थोड़ा सा मैच फंस गया था हालांकि बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अतुल तो बातचीत जारी रखिएगा बातचीत जारी रखिएगा इंदौर का एक बार मैं फिर से रुक कर लेती हूँ यहाँ पर जितने भी फैंस भारतीय फैंस जुड़े हुए हैं उनके एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई है उनसे एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे गौरव बातचीत करिएगा जरा हाँ देखिये बिल्कुल जिन लोगों के साथ मैं इस वक्त हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं खिलाड़ी हैं और काफी उत्साहित है कल के मैच के लिए बेटा ये बताओ कल तुम लोग मैच देखने के लिए जाओगे तो ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है किस तरीके से राजवाड़ा जाओगे घर पे या कोई बड़ी स्क्रीन का मम्मी पास पापा से कुछ डिमांड दि की हो कि मुझे वहाँ जाना है या यहाँ जाना है क्या तैयारी है तुम लोगों की मैच तो घर पर बैठ के देखेंगे वैसे तो मतलब पूरी फैमिली के साथ और अगर जाना रहेगा तो ही जाएंगे अच्छा अगर इंडिया जीतती है तो इंडिया जीतती तो जाएंगे मतलब जीदेगी? जीदेगी। जीदेगी। अच्छा अच्छा बेटा आप, आपका क्या प्लान है 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 कल के मैच को लेकर? अच्छा, सेलिब्रेशन करेंगे अगर इंडिया इंडिया जीत जाती वैसे तो ऑलवेज हार सकती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनका फॉर्म चल रहा है सब प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए पूरा हंड्रेड एंड टेन परसेंट दे रहे हैं तो इंडिया आराम से जीत जाएगी और सेलिब्रेशन तो फिर अच्छा ही होगा वो तो <laughs> चलिए ठीक है अच्छा ये बताइए सर आप लोगों की तरफ से आप लोग तो कोच हैं तो आप लोगों ने क्या तैयारी करके रखी है कल के के पूरे बैच के लिए क्या बच्चों के लिए कुछ अलग से इंतजाम या यहाँ पे हमारा जो महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब से मैं जैसे हूँ तो वहाँ पर भी एक अच्छा स्क्रीन लगा हुआ तो वहाँ पे कोशिश तो ये रही कि जितने कोचेस और जितने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है अगर कोशिश हुई तो हम लोग यहाँ पे आकर के मैच देखेंगे और उसके बाद का जो सेलिब्रेशन जो रहेगा वो स्पेशल सेलिब्रेशन रहेगा और कल का मेरे हिसाब से तो हर हिंदुस्तानी ये चाहेगा कि कल का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन अपनी लाइफ का बनाया उसको अच्छा आपने क्या सोचा है आप तो आपके लोकल हैं आप लोगों का क्या प्लान लोग का क्या प्लान प्लान रहेगा रहेगा आप फ्रेंड सर्कल का किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हुँ? कल हम घर पे ही देखेंगे और सेलिब्रेट भी घर पे ही करेंगे इंडिया की जीत बिल्कुल इंडिया जीतेगी कल और मैं एक फॉर्ड हूँ तो मैं रामदारी सिंह दिनकर की एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है तो कल जब इंडिया जोर लगाएगी तो कंगारू पस्त होने वाले हैं डेफिनेटली है ना तो बहुत मजा आने वाला है और एक बहुत मीम फेमस होता है कि यदि इंडिया जीती तो बहुत साल का सबसे खुशहाल दिन होगा और इंडिया हार गई तो थेरेपी सेशन के लिए तैयार रहेंगे तो मेरे को लगता है शायद यदि इंडिया जीत गई तो खुशहाल दिन रहेगा नहीं तो कल मैं भी थेरेपी सेशन देखूंगा की जरूरत नहीं पड़ेगी जीते इंडिया

जड्डू अच्छा प्यादा जड्डू हां प्यासा जड्डू कौन <laughs> अच्छा ये बताइए कल आप लोग किस तरीके से आई टीम इंडिया को अपनी तरफ से चीयर करते हैं और क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया को इस ग्राउंड पे खड़े होकर जो ऐतिहासिक ग्राउंड है इंडिया का किस तरीके से चीयर करते हैं आप लोग इंडिया 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 बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो एक्साइटमेंट है गौरव ये नजर आ रही है ये दर्शा रहा है कि कितना ज्यादा जोश हाई है और आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये फैक्टर तो कहीं भी अभी दिमाग में आए नहीं है कि हम मैच हारेंगे क्योंकि फॉर्म में जो इंडियन प्लेयर्स हैं इंडियन बॉयज हैं उनको देखकर जो आत्मविश्वास है वो काफी बड़ा हुआ है और क्यों ना बढ़े क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन टीम इंडिया कर रही है लगातार दस मैच जीत गए हैं हम और चलिए हमारे साथ नीलम भी जुड़ गई राजधानी भोपाल से उनका भी रुख कर लेते हैं नीलम पर मौजूद हैं आप जरा बताइएगा किस तरीके से राजधानी वासी कल के मैच को लेकर तैयारी कर रहे हैं 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू थे जब वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी हाथ में उठाई थी इस बार रोहित शर्मा को वो मौका मिलेगा कि नहीं जी बिल्कुल देखिए फाइनल्स का सभी को इंतज़ार है और जब टीम इंडिया उतरी थी तो तभी से सबको उम्मीदें लग रही थी जिस तरह से टीम इंडिया फॉर्म में थी और राजधानी वासियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं एक्साइटमेंट जो है उनमें भरपूर है उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि कल जिस तरह से जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में टीम इंडिया उतरे तो सभी की उम्मीदों पर भी खड़ी उतरे और इस बात को हम कव्वाली के ज़रिए भी जो है यहाँ पर पेश करना चाहेंगे कि कव्वालों का क्या कहना है इसे लेकर कल भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच कुछ अपने अंदाज में जरा बताएं कितना उत्साह टीम इंडिया को लेकर क्या कहना है चांद सितारों में एक है वैसे मेरे इंडिया हजारों में एक है किसी के कान में हीरा किसी के हाथ में हीरा हमें हीरे से क्या मतलब हमारा इंडिया है हीरा और यह कह रहा हूँ ए कोली भैया तुम ये फरजुलना को भैया तुम ये फहज लिभा देना ऑस्ट्रेलिया को हरा देना भारत को जिता देना को जिता देना भारत को जिता देना तुम देना, भारत को रोहित शर्मा कप्तान है हमारे उनकी पूरी निगरानी में और उनकी कप्तानी में टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है शर्मा के लिए कुछ दो लाइन शर्मा जी के लिए है हालात के कदमों पे शर्मा, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता दरिया तो बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में ये समंदर किसी दरिया में जाकर नहीं गिरता क्या बात है नीलम बहुत ही सुंदर लफ्जों में शब्दों में बयां किया है इन्होंने अपनी आ, फीलिंग्स को इमोशंस को बता रहे हैं कव्वाली के अंदाज में हमें उम्मीद है कि जो घर बैठे दर्शक हैं वो भी काफी एंजॉय कर रहे होंगे और उत्साह उनमें भी भरपूर होगा एक्साइटमेंट की कमी नहीं होगी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत करने के लिए तो आप इतना तो समझ गए होंगे की वर्ल्ड कप हमारा है ये प्रार्थनाएं अब शुरू हो चुकी है और इसके लिए तमाम जो योजनाएं है वो फैंस ने बनानी भी अब शुरू कर दी है